morning, my dear children. How are you all? I hope you all are fine and safe. Today, I will tell you an interesting story, The Greedy Dog. आज मैम आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है लालची कुत्ता. There was a dog that was very hungry. एक कुत्ता था, वे बहुत भूखा था. He searched for food everywhere and at last he found a bone. उसने हर जगह भोजन की खोज की और आखिर में उसको एक हड्डी मिली. He started going back to his home. वे हड्डी के साथ अपनी घर की ओर चल दिया. There was a bridge on the way to his home. उसके रास्ते में एक पुल था. When he started crossing it, he saw his reflection in the water. उसने जैसे ही पुल पार करना शुरू किया, उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई दी. The dog thought that there was another dog with a bone in water. He wanted to get that other bone too. कुत्ते ने सोचा कि मेरी तरह एक और कुत्ता पानी में है और उसके मुंह में हड्डी है. उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं इसे डराकर इसकी हड्डी छीन लूं और मजे से दोनों हड्डी खाऊं. So he started barking at his reflection. उसने अपनी परछाई की तरह भौंकना शुरू कर दिया. His bone fell in water as soon as he opened his mouth. The greedy dog lost his bone. जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, उसकी हड्डी पानी में गिर गई. बेचारा लालची कुत्ता अपनी हड्डी खो बैठा और भूखा ही रह गया. Dear children, this story teaches us being greedy is not good. हमें लालच नहीं करना चाहिए. लालच करना बुरी बात है. अगर हम लालच करेंगे तो हमारे पास जितना भी है उसे भी खो सकते हैं. जैसे इस कहानी में आपने सुना, कुत्ते के पास हड्डी थी, उसने दूसरी हड्डी के लालच में अपनी हड्डी भी खो दी. The moral of this story, don't be greedy. लालची मत बनो और ना ही लालच करो. Now I request all the parents, please ask this all question at the end of the story. सभी पेरेंट्स कहानी के अंत में बच्चों से ये सवाल अवश्य पूछें. These are vocabulary words we have learnt in this story. B-O-N-E, bone. M-O-U-T-H, mouth. B-R-I-D-G, bridge. W-A-T-E-R, water. G-R-E-E-D-Y, greedy. S-E-A-R-C-S, search. R-E-F-L-E-C-T-I-O-N, reflection. H-U-N-G-R-Y, hungry. Children, please do practice of vocabulary words and learn this story also. आपने सभी वोकैबुलरी वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है और स्टोरी को लर्न भी करना है. बच्चों, आपने अपने मम्मी पापा को बोलना है कि आपको सोने से पहले एक कहानी जरूर सुनाएं. गुड बाय चिल्ड्रन, स्टे सेफ, स्टे होम, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू चिल्ड्रन.